आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अपने आप को मानो कि आपको ऊपर वाले ने यूनिक पर्सनालिटी बनाया है। क्या कभी भी आपने कोई एक ऐसा इंसान दिखा है जो बिल्कुल आपके तरह है? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब यार? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, ये थोड़ा सा अलग है। देखो, हमेशा तो मैं आपके लिए नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अब मैंने क्या सोचा ना, इतने दिन से मैं एक ही तरह का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो कहीं आप बोर ना हो जाए। और कहीं ना कहीं मुझे भी एक बोर वाला फील हो रहा था कि क्या यार एक ही टाइप के वीडियोस बना रहा हूँ। तो अब से मैं क्या करूँगा ना, कुछ एक नया टाइप का वीडियो चैनल में लेके आ रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, आपने इतना सपोर्ट किया कि मैं इसका आपको जितना भी थैंक्स बोलूँ वो कम है। लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें भी आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और मुझे प्यार दें। तो अब जो मैं करने वाला हूँ वो होगा एक थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का। मैं क्या करूँगा ना, सिर्फ मोटिवेशन वाले वीडियोस नहीं होगा, मैं रियल लाइफ के बारे में कुछ बात करूँगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं ना कहीं टच करेगी, कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगेगी, कुछ ऐसी बातें जो लोग आपके साथ नहीं करना चाहते, ठीक है? जैसे कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, अपने आप को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे कोई बैड हैबिट्स को छोड़ा जाए, कोई भी चीज़। आपका जो डाउट रहेगा आप वो कमेंट में बोलना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो ये मैं क्या करूंगा, एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं हर दिन आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। हर दिन मैं कोशिश करूंगा कोई भी बीच में गैप ना हो, हर दिन आप सुबह उठो और आपको एक वीडियो मिल जाए, मैं इसका उम्मीद करूंगा। और आप वो वीडियो को देख कर चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनो और आपके साथ साथ मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी एक अच्छा इंसान बनूँ, ठीक है? तो ये वीडियो पूरा रहेगा। और ये सीरीज का जो नाम मैंने सोचा, वो सोचा है स्पिटिंग द फैक्ट्स, हैशटैग स्पिटिंग द फैक्ट्स, इसका मैंने टाइटल सोचा है। और ये सीजन वन आज से स्टार्ट होने वाला है, टोटल इसके 10 एपिसोड्स होंगे। उसके बाद मैं सीजन टू स्टार्ट करूंगा, उसके भी 10 एपिसोड होंगे, और सीजन वन अच्छा से चलता है। तो गाइज, इतनी ही बातें थी, अब आने वाले समय में और भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो आज जो टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है सेल्फ लव। देखो, बहुत नया सा टॉपिक लग रहा होगा, सेल्फ लव क्या सर, सेल्फ लव के ऊपर हम क्या बात करें? तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज सेल्फ लव, सेल्फ लव क्या होता है, और अपने आप से आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो, और इसका बेनिफिट्स क्या है। पहले तो बेनिफिट जानना जरूरी है ना, क्योंकि हम कोई भी चीज करते हैं पहले उसका फायदा जानते हैं। कॉलेज में पढ़ने आ रहे हो, उसका फायदा जान रहे हो कि अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। ऐसे जो भी चीज हम लाइफ में करते हैं पहले उसका फायदा खोजने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ लव, क्या अपने आप से सिर्फ प्यार करना सेल्फ लव होता है? आपको क्या लगता है, क्या अपने आप से सिर्फ प्यार करना सेल्फ लव होता है? ऐसा नहीं है। सेल्फ लव का जो बेसिक मतलब होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है कि अपने आप को अंदर से अपने आप को जानना, खुद को एक्सप्लोर करना। अब वो क्या, वो ये मेरे दोस्त कि खुद को पहले पहचानो। हम क्या करते हैं ना, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को 10 मिनट देख नहीं पाते। हम लोगों को ऑब्जर्व करते, लोगों को देखते, वाह क्या सुंदर लड़का है, क्या सुंदर लड़की है, वाह क्या सुंदर नजारा है। हम इस तरह से हर चीज को ऑब्जर्व करते, लेकिन अपने आप को कभी आपने आईने में 10 मिनट देखा होगा? मैं खास करके लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं लड़कियों के बारे में बात करूं तो लड़कियां भी सिर्फ यहां तक अपने आप को देखती है, फेस तक गाइस, मिरर में, ठीक है? कंप्लीटली लड़कियां भी अपने आप को 10 मिनट तक मिरर में खड़े होकर नहीं देख पाएगी। इसके पीछे का रीजन आपको पता है? इसके पीछे का रीजन ये है, अगर आप अपने आप को 10 मिनट मिरर में खड़े होकर देखते हो ना, तो आपके जो फ्लॉज है वो आपको दिखने लग जाते हैं, जो एक्चुअल में फ्लॉज नहीं है। अब फ्लॉज क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मानो मिरर में खड़े हो, आप देखोगे कि आपका टमी बहुत बाहर आया हुआ, आपका पेट बहुत बाहर आया हुआ। आप बोलोगे यार मैं मोटा हूँ, कैसा ऊपर वाले ने मुझे बनाया है। फिर आप देखोगे, अरे यार मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं तो काला हूँ। अरे यार ऊपर वाले ने मुझे इतना हेयरफॉल क्यों दिया है, ऊपर वाले ने मेरे साथ इतना कम हाइट मुझे क्यों दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं जब आप मिरर देखते हो। जब भी आप मिरर देखते हो, आप सिर्फ अपने फ्लॉस को देखते हो। अगर आप अपने फ्लॉस को देखोगे ना मेरे दोस्त, तो कभी भी सेल्फ लव जनरेट होगा ही नहीं। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव ये होता है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अपने आप को मानो कि आपको ऊपर वाले ने यूनिक पर्सनालिटी बनाया है। क्या कभी भी आपने कोई एक ऐसा इंसान दिखा है जो बिल्कुल आपके तरह है, एग्जैक्टली आपके तरह, कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं ना। तो आप एक यूनिक पर्सनालिटी, और एक यूनिक पर्सनालिटी अपने आप को लूजर सोच रहा है, अपने आप को बॉडी शेम खुद ही कर रहा है, तो लोग आपको तो बॉडी शेम करेंगे जब आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं मोटा हूं, मैं अगली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
तो लोग तो आपको डोमिनेट करेंगे ही ना मेरे दोस्त। तो अपने आप को पहचानो, अपना को प्यार करना स्टार्ट करो। आप लोगों से ये उम्मीद करते हो कि वो आपसे प्यार करे। लोग बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर चीट कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर चीट कर रहा है। क्यों कर रहा है? पहले तो आप खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद अपने आप को प्यार नहीं करते, तो लोग आपसे प्यार कैसे करेंगे? जब लोग देखेंगे ना कि अरे यार ये बंदा अपने आप से इतना प्यार करता है, अपने आप को इतना अच्छे से जानता है। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ अपने आप को लव करो आप जैसे भी हो। अपनी गलतियां को समझने की कोशिश करो, अपने अंदर की चीज़ों को देखो कि अरे मैं जो खड़ा होता हूँ वो खड़े होने का तरीका सही है या नहीं है, मैं जो बात करता हूँ वो बात करने का तरीका सही है या नहीं है, मैं जिस तरह से लोगों से मिलता हूँ, जिस तरह से लोगों को ग्रीट करता हूँ वो तरीका सही है या नहीं है। इसको बोलते हैं अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करके सेल्फ लव करना। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना, आप किसी से भी प्यार करते हो, तो आप क्या करते हो उनकी जितनी की फीचर्स हैं उनसे आप प्यार करते हो। कभी भी ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर बस उनको देखकर आप प्यार हो गया। आप किसी को अपने जिंदगी में देखा नहीं और प्यार कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। आपने कोई एक की फीचर्स देखा और प्यार हो गया, किसी कोई सुंदर है प्यार हो गया, किसी का हार्ट बहुत अच्छा है प्यार हो गया। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें किसी की तरफ प्यार होता है। इसी तरह से अपने अंदर भी वो रीजंस को खोजने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है, आप कितने अच्छे इंसान हो, ऊपर वाले ने आपको कितना यूनिक बनाया है। और इसको लेकर आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो, अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। अपने आप को आईने में 10 मिनट देखो मेरे दोस्त। आप बोलोगे इतने बिजी वक्त में मेरे पास टाइम नहीं है। गाइस पबजी खेलने के लिए आपके पास वक्त है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए वक्त है, अपने आप को आईने में 10 मिनट देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। हर दिन 10 मिनट आईने के सामने बस खड़े हो जाओ और अपने आप को ऑब्जर्व करो। पहले कुछ दिन आपके जो आंखें हैं ना वो नीची रहेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने आप को 10 मिनट आईने में देख ही नहीं पाओगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना मेरे दोस्त, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और आपसे ज्यादा बढ़िया इंसान कोई पैदा ही नहीं होगा। आप अपने आप को मिरर में कॉन्फिडेंटली 10 मिनट देख सकोगे और अपने आप को आप प्रेस कर पाओगे। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। आने वाले समय में कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा ये भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं अपने मर्जी से भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मुझे ये नई जर्नी में जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।